अमरोहा के बावन खेड़ी की गुनहगार शबनम को रामपुर जेल से पिछले दिनों बरेली जेल में शिफ्ट किया गया था। इससे न सिर्फ शबनम की मुश्किल बढ़ गई है बल्कि आने जाने में शबनम के बेटे और उनके कस्टोडियन की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूछते हैं उन्हीं से ही, कल शबनम का बेटा और शबनम के बेटे के कस्टोडियन परिवार समेत शबनम से मिलने बरेली जेल गए थे। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको और शबनम से उनकी क्या क्या बातें हुई, जानते हैं उस्मान सैफी से। उस्मान जी, आप कल शबनम से मिलने गए थे, उनको बेटे को मिलाने गए थे, बेटे के बीच में और माँ बेटे और माँ के बीच में क्या क्या बातें हुई? बेटे और माँ के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई क्योंकि बेटा भी मतलब अकेला गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं हुई, जबकि इससे पहले रामपुर में या मुरादाबाद में ऐसा नहीं हुआ था कभी। हम जब भी गए हैं तब साथ साथ गए हैं और हम लोग साथ साथ ही मुलाकात करते रहे हैं। हालांकि हमारे टेलीकॉम के माध्यम से बातचीत हुई थी, तो इससे पता चलता है कि शबनम वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। और सवाल ये उठता है कि जो भी रामपुर जेल में एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसमें जो फ़ोटो खींचा है, किसी जिसने भी खींचा है उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें शबनम का तो कोई दोष है नहीं, वही 26 जनवरी पर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के में ही ये फ़ोटो खींचा गया था। अब रामपुर जेल में भी रही हैं वो लगभग 1 साल से ज़्यादा, और लंबे समय तक वो मुरादाबाद जेल में रही हैं, तो दोनों ही जगह उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है कि ना किसी कैदी से कभी कोई झड़प हुई है, ना ही कोई शिकायत रही है आज तक। इवन सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई बातचीत, यहाँ से इनकी अच्छाई की ही बातें गई हैं, कभी इनके गलत व्यवहार की बात नहीं गई है। तो ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें इतनी दूर क्यों भेज दिया? अब इससे हमारी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब करीब यहाँ से 230 किलोमीटर का सफ़र है जो एक तरफ से होता है। अब इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, बच्चे की भी सुरक्षा है। तो इतना तो खैर प्रशासन को थोड़ा ध्यान में रख के या तो उनका ट्रांसफ़र वापस रामपुर या मुरादाबाद में कर दिया जाए, या फिर यहाँ बुलंदशहर के आसपास किसी भी ज़िले में कर दी जाए, ताकि जिससे दिक्कतें कम हो जाएँ। और माँ हैं, उसका मिलने का, बच्चे से मिलने का मन करता ही है, और बेटा भी बीच बीच में चाहता है कि अपनी माँ से मुलाकात करता रहे। तो शबनम ने आपसे बात की, पहले तो आप डायरेक्टली उनसे जेल प्रशासन मिल पा देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, टेली कम्युनिकेशन आपका हुआ है जेल से बाहर। क्या क्या डिमांड उन्होंने रखी है, क्या 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 बातें हुई हैं आपकी? फिलहाल मांग उन्होंने रखी है कि मुझे दूसरी जेल में जहाँ मैं पहले थी उसी जेल में शिफ्ट किया जाए, या अन्य तरह की कोई बात? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है सभी कैदियों के प्रति, और मुरादाबाद में वो कई साल रही हैं, तो उन्हें मुरादाबाद में कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो प्रशासन कोर्ट ने सजा दी है, वो कोर्ट की सजा का सिस्टम अलग है, लेकिन कम से कम जेल प्रशासन द्वारा उन्हें इतना तो सहूलियत दे देनी चाहिए कि वो जहाँ पे लंबे समय तक रही हैं उनकी वहाँ जान पहचान भी हो गई है, थोड़ा सा आसान भी हो जाता है कैदी के लिए। तो बड़ा मुश्किल हो गया है फिलहाल, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है और हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से और शासन से कि उनका वापस पुणे या तो रामपुर कर दिया जाए या फिर मुरादाबाद कर दिया जाए। शबनम के बेटे की शबनम से मुलाकात हुई है, कुछ क्या क्या बातें बताएं शबनम के बेटे ने आपको, क्या क्या बातें हुई हैं, किस मसले पे बातें हुई? वो बच्चा है, बहुत सारी बातें मैंने तो उसे कह के भेजा था कि आपको इस तरह से बात करनी है, लेकिन वो बात ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं, जैसे मुझे बताया गया था कि वो उसकी माँ देखते ही उसको रोने लगी है, और वो उसको देख के वो भी रोने लगा है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा है, वो सब चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं समझता है, क्योंकि हम लोग मिलते रहे हैं, तो हम लोग उस चीज़ को आगे कम्युनिकेट करते हैं कि क्या ज़रूरत है। कई बार होता है, इस बार तो बहुत बड़ी दिक्कत ये भी हुई है कि जब हम उसके लिए खाने पीने का सामान लेके गए हैं या कपड़े लेके गए हैं, तो वो भी अंदर तक नहीं पहुंच पाए, वो भी बाहर से बाहर जमा करा ली गई, लेकिन जबकि इससे पहले कभी ऐसा था नहीं कि कुछ भी खाने का सामान लेके जाते थे या कपड़े लेके जाते थे तो हम डायरेक्टली उनके हाथ में देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बाकी बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है, नई जेल में नया माहौल है, नए लोग हैं, तो वहाँ एडजस्टमेंट होने में बड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा प्रशासन को और जेल प्रशासन को खासकर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, और कोई बातें इसके अलावा कोई और बातें उन्होंने की आपको, टेली कम्युनिकेशन हुआ है आपका, कोई और बातें हैं किसी तरह की और बातें हुई हैं? यही कि वो अपने आप को बड़ा असहाय कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर बच्चे को लेकर, कि बच्चा इतनी दूर आएगा जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो उसकी सुरक्षा पर कहीं कुछ बात ना हो जाए, उसकी जान को खतरा ना हो। क्या जेल प्रशासन ने उनके रहने सहने की व्यवस्था में कोई बदलाव किया है? पहले तो लकोमान बैरक में रहती होंगी, अब कोई किसी तरह? फिलहाल वो तन्हा है, अभी बैरक में तन्हा है, अकेले ही रह रही हैं, क्योंकि अभी किसी अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया है उन्हें। तो जबकि 10-12 दिन लगभग पहले उनका ट्रांसफ़र हुआ था,
तो अभी भी पता नहीं कब तक रहेगा मामला, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आपको 200-250 किलोमीटर जो कि पहले रामपुर में थी, मुरादाबाद में थी, तो आपको यहाँ से जाने में बड़ी सुविधा रहती थी। अब चूंकि बरेली हो गई है तो 200-250 किलोमीटर यहाँ से दूरी ज़्यादा है, तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? रोड भी अलग हो गया है। शबनम भी कह रही हैं कि उनको दूसरी जेल में जहाँ से वो पहले रहती थी वहीं शिफ्ट किया जाए, तो आपका इसमें करीब 250 किलोमीटर का सफ़र हो गया है। एक तो रूट भी बिल्कुल अलग हो गया है, जिस रूट से मैं गया हूँ बदायूं वाले रूट से, तो यहाँ मेरा कोई अपने रिश्तेदार नहीं, जानचन का नहीं है। जबकि मैं अब कभी अमरोहा से होकर जाया करता था तो मैं भी अपने रिश्तेदारों से इस बहाने से मुलाकात कर लिया करता था। तो एक तो मेरा अपना परिवार से, दोस्तों से, इनसे सबसे कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। और वहाँ मुलाकात की और रामपुर जेल में या मुरादाबाद में, फिर सीधे मैं बाल कल्याण विभाग से मुलाकात कर लिया करता था। तो ये दोनों काम एक साथ हो जाया करते थे, अब ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे हर 3 महीने तो वहाँ जाना पड़ेगा बाल कल्याण समिति में, और इससे इतर मुझे जाना पड़ेगा उसमें बरेली जेल में। तो फिर मेरे लिए तो यही चक्कर लगाने वाली कंडीशन हो गई। ऐसे में मैं अगर एक नेक काम कर रहा हूँ तो सरकार को भी मेरी बातों पर ध्यान देते हुए कम से कम इसमें थोड़ी सी सहूलियत दे दें। तो मेरे साथ थे उस्मान से भी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब नई जेल में शिफ्ट होने के बाद में जहाँ शबनम की दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं, वहीं हमारी और उनके बेटे को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वो सरकार से भी अपील